गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 7 साइंस सेशन. सो वी आर एट चैप्टर 11 विच इज़ ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो हम लोगों ने अभी एनिमल्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, स्टडी कर लिया है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स. सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. अब ये बात हमने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ ली थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, और किसके थ्रू लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. रूट्स का काम ये है वाटर एब्जॉर्ब करना, तो वो वाटर कहाँ जाता है, लीव्स पे. लीव्स का काम क्या है, फूड प्रिपेयर करना, ठीक है, किसके यूसेज के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूसेज के थ्रू, या यूसेज से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, फूड या ग्लूकोज. यू ऑल्सो लर्न चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. चैप्टर 10 अगर हम रेस्पिरेशन चैप्टर में ये है कि जो फूड होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जहाँ से हमें एक्चुअली में एनर्जी आने वाली है, वो हमारा क्या होता है, फूड होता है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है. हर सेल ऑर्गेनिज्म का, जो हर एक छोटा सेल होता है, हर सेल एक्टिविटी करता है बहुत सारी, और उस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी, पर डायरेक्ट एनर्जी फूड से नहीं ले सकता. फूड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके फूड जब बॉडी या सेल यूज़ करता है, उस एनर्जी को यूज़ करता है. द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फूड, अब जैसे हर सेल काम करेगा तो हर सेल तक फूड जाना बहुत ज़रूरी है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड. अब आप ये चीज़ें सोच के थोड़ा सा आपको वंडर होगा या ऐसे सरप्राइज होंगे कि कैसे वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है हर सेल तक जाता है, लीव्स तक जाता है, और जैसे ही लीव्स प्रिपेयर करती है जो खाना, वो हर एक सेल तक पहुंचाती है. तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स, प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू करता है. द रूट हैज़ रूट हेयर. रूट के पास क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब बहुत आराम से कर पाता है. द रूट हेयर इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्वड इन वाटर. रूट हेयर क्या करता है, सर्फेस एरिया बढ़ाता है, जहाँ से एब्जॉर्ब होने का सर्फेस जो एरिया है उसका सर्फेस एरिया बढ़ाता है, ताकि वाटर और मिनरल ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाए. द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द रूट प्रेजेंट बिटवीन वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पानी ट्रैप हो जाता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. वॉट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स. आपको पता है कि जो वाटर मूव होता है रूट से लीव्स तक, कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, क्या सिस्टम होता है उसके अंदर. ब्लड सिस्टम तो नहीं होता प्लांट्स में, तो कौन सा सिस्टम होता है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के पास अपनी बुक होगी. प्लीज़ अपनी बुक लेके बैठे, पेंसिल पेन लेके बैठे और अंडरलाइन करते रहें. वेल बूजो इज राइट. प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स के पास क्या होता है, पाइप लाइक का स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं. क्या करती हैं, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. द वेसल्स आर मेड ऑफ सेल्स, स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वैस्क्यूलर सिस्टम. जो प्लांट होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जो वेसल शेप होते हैं या वेसल्स के जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं वैस्क्यूलर टिश्यू. अभी लाइन अंडरलाइन करना. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर ले. द वैस्क्यूलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. जो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है उस वैस्क्यूलर टिश्यू को क्या बोलते हैं, जाइलम. द जाइलम फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट रूट टू द लीव थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड थस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट. अब
क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जाइलम होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस नेटवर्क होता है चैनल्स का, ठीक है। वो किसको कनेक्ट करता है, रूट को स्टेम से कनेक्ट, सॉरी रूट को लीव्स पर कनेक्ट करता है थ्रू स्टेम, ठीक है। यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड, द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय वेस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड एज फ्लोएम, थस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। बेसिकली क्या होता है, लीव सिंथेसाइज क्या करती है, फूड सिंथेसाइज करती है। फूड कहाँ जाता है, और हर पार्ट, हर बॉडी के हर पार्ट तक जाता है, और ये जो जो होता है ये वेस्कुलर टिश्यूज जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, उसे बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिक्स करके आपस में इंटरकनेक्ट होके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? नाउ वी आर एट एक्टिविटी 11.3। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, वाटर, रेड इंक एंड अ टेंडर हर्ब एंड अ ब्लेंडर फॉर दिस एक्टिविटी, सॉरी ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। आपको क्या लेना है, कांच का टम्बलर लेना है, वाटर, रेड इंक, फ्लावर, सॉरी हर्ब एंड वन मोर थिंग, अ ब्लेड, ठीक है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। क्या करना है, पानी 3/4 भरना है टम्बलर में, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको इंक डालनी है एंड क्या करना है, स्टेम को नीचे से काट के उसके अंदर डाल देना है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, 24 आवर्स के बाद आपको उसको देखना है। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, इफ येस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। जो हर्ब होती है वो रेड हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्टेम के थ्रू, और जो स्टेम है, अब जो पानी है उसके अंदर रेड इंक है, तो जो हर्ब होगी उसकी स्टेम अगर हम काट के देखेंगे तो अंदर से भी रेड निकलेगी, क्योंकि पानी है और पानी के अंदर इंक मिक्स है। वी कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इन साइड द स्टेम, कट करके रेड कलर देखेंगे, दिख जाएगा ऑब्वियसली। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर, जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व्ड इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला है, फर्स्ट चीज़ कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंड चीज़ कि जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स, जैसे इंक वाटर के अंदर घुली हुई है वैसे ही मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर होते हैं मिक्स और ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, ठीक है। वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स इन साइड द स्टेम। जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक जाते हैं प्लांट के थ्रू और नैरो ट्यूब्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमने ये जो हमारा टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली अब हम ट्रांसपिरेशन डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या है, लीव्स के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसे ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो लेट्स रीड, इन क्लास 6 यू लर्न दैट द प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू काफ़ी सारा वाटर लॉस हो जाता है प्लांट में। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। किस कहाँ से होता है, लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होता है उसे ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अंडरलाइन दिस लाइन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन प्रेशर। सक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना और यहाँ पे खिंचाव फील होना, वो सक्शन होता है। वैसे ही लीव्स पे सक्शन प्रेशर होता है, इवेपोरेशन होता है, यहाँ पानी का अमाउंट कम है इसलिए रूट से ऊपर आने लगता है। विच कैन पुल टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, ट्रांसपिरेशन प्लांट को कूल करने का भी काम करता है और सक्शन प्रेशर का काम करता है ताकि वाटर एब्जॉर्ब हो पाए रूट्स के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। I have sent you all the back exercise questions yesterday, so please complete it. We'll be checking your copy on 16th of December when you'll return back to school. So please complete your work. Take care. Have a nice day. Thank you.